अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जानते हैं कि वहाँ ताला हमारा लगा है। जी भाई, लेकिन फिर भी हमें खुद रखवाली करनी होगी और रात को एक बार जाकर फिर दोबारा चेक करना होगा। जी भाई। क्या यह जरूरी है भाई? हाँ बिल्कुल जरूरी है, जब तक माल मेगा के गोडाउन में बेहद जरूरी है। अरे कृष्णा भैया, ये क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा? हे भगवान, कहीं मेघा ने कोई नई चाल तो नहीं चली? त्रिवेणी, क्या हुआ? नींद हराम हो गई? वैसे इतनी रात को यहां पर किसका इंतजार कर रही? मुझे पता है कि तुम किसका इंतजार कर रही, लेकिन अगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगी तो अच्छा लगेगा। आप क्या सोचते हैं और क्या सुनना चाहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन दिनों जो आप कर रही हैं ना, उसे इतना तो अंदाजा हो चुका है कि आप कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही हैं। पर आपको अंदाजा नहीं है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फाइव, मुझे लगा था कि महिला मुक्ति के लोगों के आने के बाद आप सुधर जाएंगे, पर नहीं, आपकी अकल फिर भी ठिकाने नहीं है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। फोर, उल्टी गिनती करके क्या साबित करना चाहती हैं? थ्री, इस तरह आप मुझे डरा नहीं सकती। टू एंड वन। हेलो, हेलो त्रिवेणी। हाँ कृष्णा भैया बोलो। त्रिवेणी, सब गड़बड़ हो गया। इस गोदाम में हमने माल रखा था, वहां आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। त्रिवेणी, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। त्रिवेणी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बाबा को क्या बोल रहा हूँ। मैं दोबारा फोन करता हूँ। अब समझ में आया कि मैं उल्टी गिनती क्यों गिन रही थी? वो कहते हैं ना, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। एक बार और सब कुछ साफ। I really feel sorry for Hiten। बेचारा मुंबई गया है क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। यहाँ तो मेहमानों को निमंत्रण भी दे दिया और पूरा के पूरा रसोड़ा लुट गया। बहुत बुरा हुआ ना इतने के साथ। Now I suppose कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। मुझे तो लगता है कि भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैंने कहा था तुमसे, पछताओगी। एक होडियर माँ, सुबह सुबह इतना बुरा सपना, कोई बुरी खबर तो नहीं है? अरे ऐसे कैसे सब कुछ जल के राख हो गया? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मतलब कहीं तेरा इशारा मेघा की तरफ तो नहीं है? हाँ, ये मेघा की करतूत है। भाप, मेघा ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। धादू की फैक्ट्री चलाकर राख कर दी। धर्मराज की बरसों की मेहनत बर्बाद हो गई। ने आपको संभालो बा। कैसे संभाले भाई, सब कुछ तो खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा माल बचा पाए, बाकी सारी फैक्ट्री चलकर खाक हो गई। यहां तक कि वो तिजोरी भी जल गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बचा है बेटा,
अब भी हमारे पास कुछ बचा है। माना कि मेघा ने कारखाना और सब कुछ हमारा जल के राख कर दिया, लेकिन हमारी हिम्मत तो हमारे पास है ना अभी भी। उसे तो वो जला के राख नहीं कर सकती। देखना, इसी हिम्मत के सहारे हम सब कुछ ठीक कर देंगे पहले जैसा। आज यहाँ नानका होता तो वो भी यही कहता। तेने आप ही बात करनी, मेरी तो हिम्मत ही होगी उन्हें सब बताने की। अभी अभी बेचारा पहुंच रहा होगा, अकेला होगा, वहां कोई उसे संभालने वाला भी तो नहीं है। नहीं तोरल, तू उसके साथ बात कर और ऐसे बोलना कि जैसे यहाँ सब कुछ ठीक है। हेलो तोरल, मैं बस मुंबई पहुंच ही गया हूँ। बस थोड़ी देर में मुंबई सेंट्रल आने ही वाला है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी चिंता मत कर, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। जैसे खुड़ियार माँ की मर्जी तेन, तुम अपना काम मन लगा कर करना। और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, यहाँ पर सब ठीक है। हेलो, तो शायद नेटवर्क नहीं है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। मालिक, मसूरेकर भाई मालिक यहाँ आए थे? संतोईनी, घबरा न का, दामजी भाई मुझे कहकर गए हैं। कल रात आप देर से सोई थी ना, तो जगाया नहीं उन्होंने, स्टेशन गए वो। स्टेशन पर क्यों? अरे वहनी, इतने घबराइए नहीं, दामजी बाबूची चिंता न को, इतने कम समय में सारे रास्ते जान चुके हैं वो। और हाँ, कौन सा सामान कहाँ बढ़िया मिलता है ये मेरे से भी ज्यादा जानते हो देवा शप्पत। वो है ना, वो बाजू में, वो बता। ये काफी महंगा वाला है। अरे भाई जरा ऊंचा बोल रहे, ये स्टेशन से गाड़ी की आवाज आती है ना, कुछ सुनने नहीं देता। शू बोला जाते? मैंने कहा ये काफी महंगा वाला है, बेल्जियम से आया है वो। 1354 रुपया, 1200 रुपया का नहीं, 154 रुपया टैक्स, बरोबर ना? लाओ लाओ, आप ही दे। ये तो अपने को भी मालूम नहीं है इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है और टैक्स कितना लगा है। ले जा भाई। अरे 1000 नहीं नोट, मैंने भैया 500 500, 2000 रुपया। छुट्टा नहीं है भाई। ला मेरे को नोट दे, मैं करा के लाता हूँ छुट्टा। ला। संतोड़ी को भी मुंबई की हवा लग गई है, वड़ा पाव की दीवानी हो गई। चल ले लेता हूँ उसके लिए। अरे भाई जरा वड़ा पाव बांध के देना दो। हाँ देता हूँ। वो तीखी चटनी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है ना, वो भी डालना सर। हाँ जी हाँ। चल धन्यवाद।